मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मतदाता जागरूकता को लेकर गतिविधियां की गईं। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने ध्वजारोहण किया और मतदान में इंदौर को नंबर वन बनाने की शपथ दिलाई। वहीं इसके बाद मतदाता जागरूकता को लेकर गीतों पर प्रसिद्ध नृत्यांगना रागिनी मक्खर के दल व महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अहिल्या आश्रम विद्यालय के बच्चों ने नाटिका प्रस्तुत की, जिसके साथ ही इंदौर आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकारों ने भी मतदाता जागरूकता पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर गौरव बैनल, सपना लौवंशी, रोशन राय, राजेंद्र रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश जिस प्रकार का है ना, मतलब है ना, हम लोग अपना कर्तव्य का है ना निभाते हैं। यही अपील है कि मतलब हम हमारी कर्मचारी से भी हम ईमानदारी से हमारी है ना काम करें एंड कॉमन मैन को, पब्लिक को हमारी है ना काम को समर्पित करते हुए काम करें। एंड आपसे भी अपील करते हैं कि मतलब है ना हर व्यक्ति की मेहनत से ना मतलब हमारी है ना सिटी को है ना आगे बढ़ाए। उसके साथ साथ अभी हम लोग है ना चुनाव के है ना पीरियड पर भी हैं। आज की मतदाता जागरूकता का लेकर हमारे दिव्यांग बच्चों ने बहुत अच्छा है ना प्रस्तुति किए हैं। निवाड़ी भाषा में एकदम एक प्रॉपर है ना कंटेंट के साथ इन लोगों ने ना गाना बनाया गाया एंड बहुत ही ना सराहनीय है, उसको हम लोग ने अप्रिशिएट भी किए हैं। उसके साथ साथ हमारे अहिल्याश्रम ना नंबर 2 स्कूल की बच्चे ने भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ना वाटर अवेयरनेस को क्रिएट किया। एथिकल वोटिंग है कि मतलब हम लोग बिना प्रलोभन का है ना हम कैसे है ना वोट करें, जाति धर्म और बिना कोई भी है ना प्रलोभन का पैसा इस प्रकार को ऊपर उठ करके मतलब हमारी देश के लिए ना हमको ना वोट करना चाहिए, उसको लेकर है ना बहुत काफ़ी अच्छा है ना परिस्थितियाँ हुई है।